वजह से हम आज भी पीछे हैं, तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि जो भी नहीं पढ़ पाए हैं वो कभी ये नहीं माने कि हम नहीं पढ़े हैं इसलिए हम अपने को अपराधी हैं या हम पीछे हैं। जिसने शिक्षा को रोका वो सबसे बड़ा दोषी है। और आज हम देखें कि जिसने शिक्षा को रोका था क्या उसको हम दोषी नहीं मानते हैं? क्या आज भी हम उसका सम्मान कर रहे हैं? आज भी हम उसको दान कर रहे हैं? आज भी उनको मान सम्मान दे रहे हैं? और आज भी हम उनको इज्जत सम्मान दे रहे हैं? और आज भी उनके कहने से हम चल रहे हैं? तो मेरा निवेदन है कि जिसने तो हजार 2500 साल तक हमारे शिक्षा को रोका और उसके आप बहुत सारे कार्यक्रम आप कर रहे हैं, बहुत सारे मीटिंग बैठक गाँव गाँव में हो रहे हैं, आप अपने समाज का बदलाव चाहते हैं, आप समाज में बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन जिनने हमको छला शिक्षा के माध्यम से, जिसने हमें धोखा दिया, जिसने छला, अगर उसका बदला आप नहीं लेंगे, उससे आप बदला नहीं लेंगे तो बदलाव नहीं आ सकता है। जब तक आप बदला नहीं लेंगे, जब तक बदलाव समाज में नहीं आ सकता है। हम हाथ उठा के बताइए कि कितने लोग बदला लेना चाहते हैं, अब बदलाव चाहते हैं, कितने लोग बदला लेना बदलाव चाहते हैं समाज में, तो क्या बदला लेने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए, ऐसा सीधा उठाइए। आज बदला लेने को तैयार हो, आप बदला लेने को तैयार हो, धन्यवाद बहुत। इनके लिए जो ताली बजाए, ये बदला लेने के लिए तैयार है। अगर ये बदला नहीं लेंगे तो समाज में बदलाव नहीं आ सकता। जिनने हमें इतिहासकार में छला, जिसने ठगा, जिसने धोखा दिया, क्या हमको बदला उससे नहीं लेना चाहिए? क्या उससे बदला लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, बोले लेना चाहिए। क्या उससे बदला लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। नीचे कर लीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लग कर मैं बताता हूँ अगले स्टेज। प्रोफेसर है मरकाम जी, अपने ये अपने सब चले हैं भाई, सब कुछ पन्ना के पन्ना के पन्ना के। जब तक पानी पीने नहीं कोसोगे, जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। पहली बात